गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पिनाकल पे। तो जनरल अवेयरनेस की क्लास हमारे यहाँ पे होती है डेली शाम को। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि ओमन ऑथर जोका अल हर्ती वॉन द 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स। आपसे क्या पूछा गया है कि अभी अभी हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है, ओमन की एक ऑथर है जिनका नाम है जोखा अल हर्ती, उनकी कौन सी नॉवल के लिए उनको ये प्राइज दिया गया है, उस नॉवल का नाम आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, ओमन की रहने वाली है और इनका नाम है जोखा अल हर्ती और इन्होंने जो नॉवल लिखी है उसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अवार्ड क्या होता है कि लिटरेरी अवार्ड होता है काइंड ऑफ, और ये क्या होता है कि फुल लेंथ नॉवल जो कि इंग्लिश में लिखी गई है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, और यह मिला है जोखा अल हर्ती को उनकी बुक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018? 2018 में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, यह आपसे पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यह इंडेक्स रिलीज किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी एक संस्था है उसके द्वारा इसको निकाला जाता है। इसके अंदर भारत की रैंक रही है, क्या सही आंसर होगा, 130। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, कितनी कंट्रीज में से रैंकिंग निकाली है, 189, और 189 में से भारत की रैंकिंग क्या रही है, 130। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? निम्न में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है, एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं उसके अंदर इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। इस लैंग्वेज को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, उनका नाम आपसे पूछा है। इसका सही आंसर होगा ग्रेस मुरे होपर। ऑप्शन ए, ग्रेस मुरे होपर के द्वारा कोबोल जो लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया गया था। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? 2011 का जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बताना है भारत के कौन से राज्य में संख्या घनत्व सर्वाधिक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की, यहाँ पे पूछा है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी पूछी गई है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखी गई है बिहार के अंदर, बिहार के बाद जो राज्य आता है वो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है केरल। ठीक है, अगर आपको तीनों भी अगर आप याद ना रख पा रहे हैं तो आप बिहार इसके लिए याद रख सकते हैं, बिहार इसका सही जवाब है। ये तो थी हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है, और सबसे लोवेस्ट पूछी जाए तो सबसे कम डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट डेंसिटी तो हमने देख लिया, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य की है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, हाईएस्ट है यूपी की, और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो कौन से राज्य की है, सिक्किम की है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये है हमारे सिर्फ पॉपुलेशन, ये सिर्फ पॉपुलेशन है, और ये हमसे पूछा है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज ना होके अच्छे से इसको याद करके जाएंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और हाईएस्ट डेंसिटी की बिहार की कितनी है, 1106 स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आप हर एक किलोमीटर पे वहाँ पे कितनी जनसंख्या देखेंगे, 1106 लोग वहाँ पे जनसंख्या है पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज, कि सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, हमारे भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है मिलिट्री सर्विसेज के अंदर। इसको कब शुरू किया गया, 1950 के अंदर इसको शुरू किया गया। ठीक है, पहले भारतीय का नाम पूछे जिनको परमवीर चक्र मिला, उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, इंडिया लिफ्टेड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ रो इन मार्च 2019? मार्च 2019 में लगातार कौन सी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ
महिला प्रतियोगिता का विजय बना? आपसे ये पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा 5 बार विजेता बना है। तो ऑप्शन बी, 5 बार आपको याद रखना है विजेता बना है, ऑप्शन बी हम इसका सही आंसर लेंगे। टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोतीपुआ बिलोंग? गोतीपुआ का संबंध कौन से राज्य से है? ये एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों का रूप ले लेते हैं, वेशभूषा पहन लेते हैं लड़कियों की और ये डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, कहाँ की? ओडिशा की। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? बॉयज के द्वारा परफॉर्म की जाती है, लड़कियों के कपड़े पहन के, गर्ल्स की वेशभूषा पहन के वो लोग डांस करते हैं, और इसकी ये डांस फॉर्म है कहाँ की? ओडिशा स्टेट की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें तो फीमेल्स को शो किया गया, बट एक्चुअली इट इज डन बाय यंग बॉयज, ठीक है। आगे देखिए, कोलेरू लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलेरू झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है, कोलेरू लेक कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये मीठे पानी की भी एक काफी बड़ी झील है भारत की, और यह स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। देखिए, जम्मू कश्मीर के झील देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। डल झील आप सभी को पता होगा, डल लेक और वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर की झील है, इनके बारे में एग्जाम पे क्वेश्चन आता है आपसे। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे झीलें हैं, आप नाम याद करेंगे उनके, लेकिन एक फेमस लेक है जिसके बारे में एग्जाम में आता है, वो है सांभर लेक। सांभर लेक जो है वो कहाँ के लेक है? राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ये दो तीन चीज़ें को आपको याद रखना है। मणिपुर की भी एक बहुत फेमस लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक, और लोकटक लेक किसके लिए फेमस है? फुमड़ीज के लिए। फुमड़ीज के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इनको ऑप्शंस को भी आप याद रखेंगे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज ऑफ? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन काफ़ी हद तक उनमें इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है। देखिए, आपको पता है जब कंप्यूटर का डिस्कवर किया गया था, ठीक है, उसके बाद कुछ जनरेशन आई थी, जनरेशन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जनरेशन आई थी। हर एक जनरेशन में जैसे कंप्यूटर का उस टाइम पे इन्वेंशन हो रहा था, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि हम पहले वैक्यूम ट्यूब्स लगा के देखते हैं, ट्रांसिस्टर लगा के देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, ठीक है। ये जो आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं, आईसी होता है, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस समय इन्वेंशन चल रहा था, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स में यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। उसके एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन का ENIAC, इनाइक, ये चीज़ याद रखना, ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के वहाँ पे यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर। क्या यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर, ये हमारा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि एग्जाम्पल क्या दोगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के, IBM दोगे और हनीवेल, ये दो एग्जाम्पल्स भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे IBM कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है या ENIAC कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इससे भी आप इसको याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो सकता है। विच फोर्स हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन वाटर? तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल सहायता करता है, ठीक है। जब एक तैराक पानी में तैरता है तो वहाँ पे एक बल लगता है जिसको कहा जाता है उत्प्लावन बल, या आप कह सकते हैं बॉयंट फोर्स वहाँ लगती है, ठीक है। जब मान लीजिए ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे तैराक तैर रहा है, तो तैराक क्या करता है? एक फोर्स लगाता है वाटर के ऊपर। अगर वो तैरने में आगे की तरफ बढ़ेगा तो पानी के ऊपर एक फोर्स लगेगा ना, तो वो जो पानी उसने डिस्प्लेस किया है और जो फोर्स लगाई है तैराक ने, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, तभी तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, और वो फोर्स कहलाती है बॉयंट फोर्स। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। विच इज द न्यू स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का नया राष्ट्रीय पक्षी पूछा, सॉरी राजकीय पक्षी पूछा है, जो सरकार ने अभी जून 2018 में घोषणा की है। क्या सही आंसर लेंगे इसके लिए हम? आंध्र प्रदेश का स्टेट बर्ड किसे घोषित किया गया है? रोज रिंग्ड तोते को, रोज रिंग्ड पैरट, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सैरस क्रेन कहाँ का राजकीय पक्षी है? यूपी का। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का राजकीय पक्षी है? केरल का। कहाँ का है? केरल का, केरल याद रखेंगे आप, ठीक है। और रोज रिंग्ड पैरट हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी इसको घोषित किया गया है। ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बींग बिल्ट? पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण कौन सी नदी के ऊपर किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सी नदी के ऊपर किया गया, आंसर क्या लेंगे हम? गोदावरी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये कौन से 2004 के अंदर इसको शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के अंदर।
आंध्र प्रदेश के अंदर ये परियोजना मतलब चल रही है, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है, तो आपको ये भी बताना है, आंध्र प्रदेश भी याद रखना है और गोदावरी, दोनों चीजें आपको इसमें याद रखनी है। विच कंट्री वॉन द 2019 अर्जन शाह कप हॉकी टाइटल, ठीक है? सुल्तान अर्जन शाह हॉकी कप कब दिया जाता है, हॉकी से रिलेटेड, हॉकी में जो विजेता टीम होती है उसको दिया जाता है, ठीक है? 2019 में कप किसने जीता ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? अभी 2019 में ये कप जीतने वाली कंट्री है, मलेशिया के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, मलेशिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। फाइनल जो लड़ा गया था वो किसके बीच में था, साउथ कोरिया वर्सेस इंडिया। भारत जो है इसमें फाइनल में हार गया था, फर्स्ट रनर अप रहा था और विजेता कौन रहा था, साउथ कोरिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये इवेंट हुआ कहाँ पे था, अगर इवेंट पूछ लिया जाए तो मलेशिया के अंदर ये इवेंट हुआ था। हॉकी के अंदर एक बहुत फेमस कप रिलेटेड है जो एग्जाम में आता है, वो है ध्यानचंद कप। ध्यानचंद कप दिया जाता है हॉकी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द थर्ड सयाजी रतन अवार्ड इन नवंबर 2018, विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन मेमोरी ऑफ अर्स्ट वाइल बड़ौदा रूलर सयाजी राव गायकवाड़ 3। नवंबर 2018 में निम्न में से किसे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी स्थापना भूतपूर्व शासक सयाजी राव गायकवाड़ 3 की स्मृति में की गई थी। तो इस पुरस्कार से नवाजा गया है अमिताभ बच्चन को, ठीक है? तो ऑप्शन सी याद रखना, अमिताभ बच्चन से नवाजा गया है, सयाजी रत्न अवार्ड दिया गया है उन्हें, ठीक है, नवंबर 2018 में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। चिकनकारी क्या होती है कि सूट्स वगैरह पे एक थोड़ा सा डिजाइन होता है, आर्ट फॉर्म होती है, उसको कहा जाता है चिकनकारी या चिकन की कढ़ाई, आपने सुना होगा। कहाँ की फेमस है वो, यूपी में एक जगह है लखनऊ, लखनऊ की बहुत फेमस है चिकनकारी कढ़ाई। आंसर होगा हमारा लखनऊ। अगर यूपी क्वेश्चन आंसर में होता तो यूपी हमारा सही जवाब होता, और लखनऊ ऑप्शन में है तो लखनऊ इज द राइट आंसर। अगला देखिए, एज ऑफ मे 2019 विच प्लेयर हैज स्कोर द मोस्ट इंटरनेशनल रन इन द वर्ल्ड इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, दैट इज टेस्ट मैच, ओडीआई एंड टी20 ऑफ क्रिकेट कंबाइंड। मई 2019 के अनुसार किस खिलाड़ी ने सभी क्रिकेट के तीनों प्रारूप, ये तीनों प्रारूप दिए गए हैं, संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए, आई थिंक उनको इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा और बिल्कुल सही जवाब पता होगा। आंसर क्या होगा इसके लिए, हमारा सही जवाब सी आंसर सारा मेरे पास, वेरी गुड, एक्सपेक्टेड था मुझे आपसे, सचिन तेंदुलकर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकेंड टर्म। इंडोनेशिया के दूसरी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। दूसरी बार उन्हें प्रेजिडेंट के लिए चुना गया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच डे हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इश्यूज बाय द यूनाइटेड नेशन। किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है, वो आपको डेट यहाँ पे बतानी है, कौन सी डेट को उन्होंने घोषित किया है। इसका आंसर होगा 22 मई को क्या होगा, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसके द्वारा घोषित किया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है, जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ये चीज आपको याद रखनी है। 22 मई को क्या होगा अब, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल दी फोर रिवर्स मेंशन्ड बिलो आर रिवर्स ऑफ केरला, विच ऑफ दीज इज द सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ द स्टेट। नीचे दी गई सभी चार नदियों में से केरल राज्य की सबसे सदर्न मोस्ट दक्षिणतम नदी का नाम आपको बताना है। चारों ही रिवर केरला की हैं, नैयर, पेरियार, कुप्पम, चलियार, ठीक है। तो सबसे सदर्न मोस्ट रिवर का नाम आपको याद क्या रखना है, नैयर। नैयर रिवर जो है वो सबसे सदर्न मोस्ट है, साउथ में है, ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा।
ठीक है। पेरियार रिवर जो है वो सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है केरल की, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? केरल से भी फ्लो करती है और ये तमिलनाडु से भी फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरल राज्य की ये रिवर है। और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है इदुक्की डैम। इदुक्की डैम ये भी काफी करंट अफेयर्स में रहता है, न्यूज में रहता है, तो ये भी एग्जाम में आने की संभावना काफी रहती है इनकी। अगला देखिए, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर पूछी गई है, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या कौन थी? इसका सही आंसर क्या होगा? पहले तो मुझे ये बता दो कि अभी हमारे जो 17th लोकसभा नई सरकार बनी है उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर कौन है? इतने इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर है राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और अभी हमारे 17th लोकसभा में जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सिल्वर इन इंडिया इन 2018? भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में 2018 में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? 2018 के अकॉर्डिंग गुजरात के अंदर चांदी का सबसे बड़ा भंडार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉरी राजस्थान, नॉट गुजरात नहीं, राजस्थान हमारा सही जवाब होगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिल्वर माइंस देखी गई हैं 2018 के अनुसार, और सबसे बड़ा भंडार मिल रहा है राजस्थान में, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला देखिए, हु डिफीटेड इंडिया सौरव कोठारी इन फाइनल टू विन द 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? इसमें पूछा यह आपसे गया है कि फाइनल में भारत के सौरव कोठारी को पराजित करके कौन विजेता बने हैं, किसके अंदर? पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, किसको जो पराजित करके विजेता बने हैं वो है पीटर गिलक्रिस्ट। पीटर गिलक्रिस्ट ने हराया है सौरव कोठारी को जो भारत से संबंध रखते हैं, और वो विजेता बन गए हैं पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपसे पूछे गए हैं, चेयरमैन कौन है? फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 में फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। और अभी इसके 15th चेयरमैन की अगर हम बात करें तो वो है नंद किशोर सिंह, या आप निक नेम ले सकते हैं उनका, या शॉर्ट फॉर्म में NK सिंह, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 23rd के लिए क्या आंसर होगा? 22 नवंबर 1951 को स्थापना हुई थी 15th फाइनेंस कमीशन की। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ईयर याद रखना है, 1951 ईयर आपको याद रखना है। शक्तिकांत दास हमारे RBI के अभी सर्विंग गवर्नर है। RBI गवर्नर कौन है हमारे? शक्तिकांत दास, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाई ग्रेट इंडियन पोएट एंड ड्रामाटिस्ट महाकवि कालिदास? निम्न में से कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? कालिदास ने वैसे बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, शकुंतला लिखी है, ऋतु संहार लिखी है, मालविका अग्निमित्र लिखी है, लेकिन मालती माधव जो है वो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। उनके द्वारा नहीं लिखी गई है तो इनको लिखा है भावभूति ने। एक ऑथर थे, एक लेखक थे, कवि थे, जिनका नाम है भावभूति, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है मालती माधव। बाकी तीनों जो सारी पुस्तकें हैं वो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट अ सेंचुरी इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ अ टेस्ट मैच? किसी टेस्ट मैच के पहले ही सत्र में शतक लगाने वाले भारत का पहला क्रिकेटर निम्न में से कौन है? आपको उनका नाम बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? शिखर धवन, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा। शिखर धवन पहले ही सत्र में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, तो ऑप्शन ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, इन मई 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत की सरकार ने चार ऑप्शंस में से आपको ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, एक चूज करना है जिसको सरकार ने रोक लगा दी है, बैन कर दिया गया है। इसका आंसर है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सरकार ने बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर्ड बाइनरी लॉजिक एंड अरिथमेटिक इन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंक गणित के अग्रदूत कौन थे, ये आपसे पूछा गया है।
बाइनरी लैंग्वेज आपने देखा होगा कंप्यूटर में, जीरो और वन, इनको कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। बाई का मतलब होता है टू, जीरो वन बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अग्रदूत कौन थे इन लैंग्वेजेस के, अग्रदूत का नाम आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 27 के लिए हमारा? एक नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, लेस्ली लैम्पोर्ट। लेस्ली लैम्पोर्ट को कहा जाता है बाइनरी लॉजिक एंड एरिथमेटिक का अग्रदूत, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, इन मे 2019 हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द ओनली माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट समिट्स ऑन माउंट एवरेस्ट। निम्न में से किसने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सर्वाधिक बार चढ़ाई की है, ये आपसे पूछा गया, और एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कामी रीटा शेरपा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, कामी रीटा शेरपा। वेयर वॉज द सेकेंड शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम हेल्ड 23 से लेके 26 मई 2019? दूसरे शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यह आयोजन किया गया है किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसकी कैपिटल है अस्ताना। अस्ताना को नाम बदल के इन्होंने कर दिया है नूर सुल्तान। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा, अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए उसके अंदर आया हुआ है, अस्ताना उसकी राजधानी है, अस्ताना का नाम बदल के कर दिया है नूर सुल्तान, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी होती है कि खुद की आत्मकथा, जीवनी आप कह सकते हैं, एक जीवनी है प्लेइंग इट माई वे, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। ये ऑटोबायोग्राफी किन की है, सही आंसर क्या होगा इसके लिए? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये कंप्यूटर के कौन से प्रकार हैं ये आपसे पूछा गया है। देखिए, टैबलेट्स की बात करें, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये स्मॉल साइज के होते हैं, तो आप इनको कहते हो क्या कहते हो, मिनी कहते हो, माइक्रो कहते हो, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, माइक्रो कंप्यूटर्स इनको कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 800 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो बनाया था, कौन से ईयर में बनाया गया था, 1991 में, किसके द्वारा? सी डेक के द्वारा, सी डेक के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेरियल स्क्रोल भारत का एक लुप्त प्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार, नकाशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में उस राज्य का नाम बताएं जहां पे ये कला स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? चेरियाल स्क्रोल भारत, चेरियाल स्क्रोल जो है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है, उसका नाम आपको बताना है, यह स्थित है तेलंगाना राज्य के, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 180 कंट्रीज ऑन एनवायरमेंट परफॉर्म इंडेक्स 2018 अकॉर्डिंग टू द बायनियल रिपोर्ट बाई येल एंड कोलम्बिया यूनिवर्सिटीज अलॉन्ग विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा विश्व आर्थिक मंच की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा है? टोटल 180 कंट्रीज में से निकाला है और भारत का स्थान इसके अंदर रहा है 177, क्या रहा है? 177। ठीक है, और टोटल कंट्रीज कितनी थी? 180 कंट्रीज थी और भारत का स्थान है 177, और सबसे टॉप मोस्ट अगर पूछे जाए कि पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, तो आंसर होगा आइसलैंड जो है वो पहले नंबर पे रही है इसके अंदर। अगला देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, ऑप्शन क्या होगा? बी, पास्कल होती है प्रेशर की एसआई यूनिट। ओम किसकी एसआई यूनिट होती है? रेसिस्टेंस की। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर। रेसिस्टेंस होती है ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। वोल्ट होती है वोल्टेज की, ठीक है, और एम्पियर होती है करंट की। ये आई थिंक आप सभी को पढ़ा होगा क्योंकि स्कूल्स में बहुत अच्छे से हमें याद करवाते थे ये ऐसा यूनिट्स, तो पास्कल जो है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन मई 2019? कि आपसे पूछा गया है कि समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये एक सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं और इनका नाम है ए के सिकरी, ऑप्शन ए सी ए के सिकरी की सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एंड स्वॉन इन एज द सिक्स्थ प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन इन अप्रैल मई 2019। देखिए अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स के एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि किसको अपॉइंट किया गया, कि कौन से मंत्रालय का किसको मंत्रालय दिया गया, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड की अगर वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ठीक है, जो कंट्रीज न्यूज़ में रही होती है उनके प्रेजिडेंट पूछ लिए जाते हैं कि अभी अभी प्रेजिडेंट किसे बनाया गया, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन के सिक्स प्रेजिडेंट आपसे पूछे गए हैं कि किनको बनाया गया, उनका नाम है वोल्दोदिमिर जेलेंस्की। ठीक है, वोल्दोदिमिर जेलेंस्की, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्लेव, क्लेव कैपिटल है यूक्रेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू विच स्टेट डज द नोटेड पद्मश्री अवार्डियन सूफी संत अब्राहम सुतर बिलोंग। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत है जिनका नाम है अब्राहिम सतूर, उनका संबंध भारत के कौन से राज्य से, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इनका संबंध है कर्नाटका से, ये सूफी संत है कर्नाटक राज्य के, तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र को हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कौन से ईयर में हुआ था, ये आपसे पूछा गया। 95 सभी सेम है, 95 में हुआ था, लेकिन डेट आपको पता होनी चाहिए। डेट क्या थी? 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 जन 1950। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रंजन गगोई, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले नंबर ऑफ जजेस से 31, मतलब 30 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, टोटल मिला के 31 होते हैं, लेकिन अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया 33। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी एक प्रीवियस एग्जाम हुआ था तो उसको उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे एकदम से याद आया तो मैंने आपको बता दिया, ये संख्या चेंज कर दी गई है, 33 अभी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किस अर्थशास्त्री ने पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल की रचना की है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, इवन मैंने भी इसको काफ़ी बार पढ़ाया है। इसका आंसर है ई एफ शुमाकर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ई एफ शुमाकर जो है उनके द्वारा ये बहुत ही फेमस बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के और पॉलिटिक्स के काफ़ी मतलब इश्यूज के बारे में इन्होंने बताया है, तो काफ़ी फेमस बुक है, ई एफ शुमाकर के द्वारा लिखी गई है। अगला देखो, नासा लॉन्च द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सैटेलाइट। नासा ने पूरे विश्व का सबसे लाइटेस्ट, सबसे लाइट वेट सैटेलाइट, उसका इतना इतना लाइट था कि उसका वेट है 1.26 किलोग्राम, इतना लाइट वेट उन्होंने सैटेलाइट बनाया, लॉन्च किया, जिसका नाम है कलाम सेट। ठीक है, तो आपसे ही पूछा गया है कि तमिलनाडु के एक इंसान का नाम, आप पर्सन का नाम यहाँ पे बताना है, एवं उसकी टीम के द्वारा विकसित विश्व के सबसे छोटे और सबसे हल्के उपग्रह कलाम सेट का प्रक्षेपण किया, या आपसे उनका नाम पूछा गया, तमिलनाडु से है, उनका नाम क्या है? रिफत थारुक, ऑप्शन बी रिफत शाहरुख, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। 1973 के अंदर क्या हुआ, कुछ लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, 1973 में उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। वहाँ पे पेड़ों का क्या हो रहा था कि जंगलों को साफ किया जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, लोगों ने इसका विरोध किया और लोगों ने क्या किया, हर एक पेड़ पे एक एक इंसान ने जाके चिपक गए, पेड़ को पकड़ लिया और कटने, ताकि उनको कटने से बचाया जा सके, यह आंदोलन कहलाता चिपको मूवमेंट। ये कब शुरू हुआ था? 1973 के अंदर, और इसके लीडर कौन थे? लीडर का नाम एग्जाम में आता है, उनका नाम है सुंदरलाल भगुना, सुंदर लाल भगुना नाम आपको याद रखना है। और ये किससे रिलेटेड है? पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आप कह सकते हैं वनीकरण से, एफोरेस्टेशन हमारा सही आंसर होगा। ऑफ केन्या वॉन दी मुंबई मैराथन 2019 में मुंबई मैराथन किसके द्वारा जीती गई है? उनका नाम है कॉस्मोस लागट, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, कॉस्मोस लागट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन। भारत का करेंसी मुद्रणालय कहाँ पे स्थित नहीं है? देखो इस क्वेश्चन में चार प्लेसेस होती हैं जहाँ पे भारत की प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है, उन चारों लोकेशंस के नाम आपको याद रखने हैं। पहली है नासिक के अंदर, नासिक आप सभी को पता है कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, दूसरी है सालबोनी, सालबोनी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। थर्ड वन है मैसूर में, ठीक है मैसूर में। फोर्थ वन है देवास के अंदर, देवास कहाँ पे है? एमपी के अंदर है।
तो इन चारों चीजों को आपको, चारों आपको लोकेशन याद रखनी है। यहाँ पे हमारे प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लोकेटेड है। तो आंसर निकल के आ गया कोची। कोची के अंदर हमारे प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बींग बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अभी जो ये है अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बना नहीं है, बन रहा है। माना जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने को जा रहा है, और ये कहाँ पे बनने जा रहा है, गुजरात राज्य के अंदर, ठीक है। अभी अगर एट प्रेजेंट पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो क्रिकेट स्टेडियम का नाम है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अभी माना जा रहा है कि ये जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये कहाँ पे बनेगा, ये गुजरात राज्य के अंदर बनेगा। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एडिशन, न्यू दिल्ली ऑल्सो होस्टेड द एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली में एशियाई खेलों के कौन से नंबर के संस्करण की भी मेजबानी की है, ये आपसे पूछा गया है, नंबर पूछा गया है। इसका आंसर होगा नाइन्थ संस्करण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज देवधर ट्रॉफी एसोसिएटेड। देवधर ट्रॉफी के बारे में आपने काफी सुना होगा, ठीक है। तो उसका संबंध कौन से खेल से, ये आपसे पूछा गया है। उसका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट लवर्स हमारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हैं, तो आई थिंक ये उनको पता होगा, देवधर ट्रॉफी। क्रिकेट से बहुत सारी ट्रॉफीज एग्जाम में आती हैं, और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उनको जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, तो पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक सी के नायडू ट्रॉफी है, वो भी क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, और उसके अलावा एक ईरानी ट्रॉफी भी दी जाती है, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। ये कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो एक अर्जन शाह कप भी, वो तो हॉकी से रिलेटेड है। ये सब ट्रॉफीज़ जो हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। बाकी इनको भी आप याद रखिए, एग्जाम में इनमें से कोई भी कप आपको दे, कोई भी ट्रॉफीज आपको दे के पूछ सकते हैं। हु रोट दी बुक, एक पुस्तक का नाम दिया गया है द ओडिसिटी ऑफ होप, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, आपसे पूछा गया है। इसकी रचना की गई है बराक ओबामा के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, बराक ओबामा के द्वारा इसकी रचना की गई है। आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, ठीक है, उसके अंदर कितनी वार्षिक आय वाले वयस्क लोगों को हाउस लोन दिया जाएगा, ये आपसे पूछा है कि आपकी एज वार्षिक आय, आपके एनुअल इनकम के बेसिस पे यहाँ पे इस योजना के अंदर हाउस लोन प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी पूरे साल की कितनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना शुरू की गई थी ताकि लोगों को कम रेट के ऊपर, कम पैसों में हाउस प्रोवाइड, घर प्रोवाइड करवाया जा सके या लोन दिया जा सके उनको, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसमें एनुअल इनकम की जो सीमा है वो है 6 से 18 लाख। तो ऑप्शन भी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 6 to 18 lakhs। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द 7th largest कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, भू क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इवन स्कूल टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर होगा इंडिया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर सबसे बड़ा आपसे देश पूछा जाए कि भू क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, रशिया। मैं आपको एक सीरीज बता देती हूँ, रशिया के बाद आता है कनाडा के बाद आता है यूएस, यूएस के बाद आता है चाइना, चाइना के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। ये आपको 7 देशों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ पे 7th पूछा गया, आपसे 3rd भी पूछा जा सकता है, 4th भी, तो आपको 7 तो एटलीस्ट यहाँ पे याद होने ही चाहिए, इनको आप याद कर लीजिए। इंडिया होल्ड्स विच पोजिशन इन द प्रोडक्शन ऑफ काओ मिल्क एज ऑफ जनवरी 2018। जनवरी 2018 के अनुसार गाय के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसका आंसर होगा 2nd, भारत का स्थान रहा है 2रा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, कल दोबारा मिलते हैं सेम इसी टाइम पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं सेम।